ओके okay. सो आज हम लोग गूगल डॉक्स से स्टार्ट करेंगे। तो गूगल डॉक्स इज बेसिकली सेम एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, गूगल डॉक्स इज सेम एज, गूगल डॉक्स इज सेम एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। About, write about Google Docs. Google Docs is same as Microsoft Word. Second point, with Google Docs, you can write, edit, and collaborate wherever you are. With Google Docs, you can write, edit, and collaborate wherever you are for free. For free. For free. अभी तक आप लोग ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्या क्या किया है? अभी तक आप लोग ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्या क्या किया है? एनीवन? आप लोग ने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्या क्या किया है? एनीवन इन द क्लास? आवाज नहीं आ रहा आपका। वर्षा, व्हाट ऑल थिंग्स हैव यू डन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन राइट नाउ? इसके लिए तो यस और नो बोल दो। यस और नो? यस 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 सर। ठीक है, अभी मेरा आवाज आ रहा है क्लियरली? यस सर। रेशम? यस सर, बेटर है। ओके फाइन, थैंक यू। गूगल डॉक्स को जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो एड्रेस बार पे हम लिख सकते हैं docs.google.com, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था। आवाज चला गया, ब्रेक हो क्या रहा और एको हो रहा है। एक सेकेंड। मैं ये बोल रहा हूं, गूगल डॉक्स में जाने के लिए या तो एड्रेस बार पे हमें लिखना पड़ता है docs.google.com, और वी कैन गो इन द ऐप लॉन्चर। यहां पर भी होता है गूगल डॉक्स। द वेरी फर्स्ट इज टू टाइप docs.google.com इन द एड्रेस बार। द सेकेंड इज गो टू द ऐप लॉन्चर एंड फाइंड आउट द डॉक्स ऐप। एंड द थर्ड वन इज गो टू गूगल ड्राइव एंड फ्रॉम देयर गो टू गूगल ड्राइव एंड फ्रॉम देयर यू कैन क्लिक ऑन प्लस न्यू Google Docs. So this is the first interface of the Google Doc. Can anyone tell me how to change the name of the spread? How to change the name of the document? How to change the name of the document? हम लोग डॉक्यूमेंट का नाम कैसे चेंज करेंगे? सर वो थ्री डॉट्स जो दिखाता है उसमें क्लिक करने से आता नहीं, है ना? दैट इज वो फोन पे ऐसा हो सकता है, बट डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ऑन द टॉप लेफ्ट, वॉच ऑन द टॉप लेफ्ट, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? द डिफॉल्ट नेम इज अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। द डिफॉल्ट नेम इज अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस,
यू कैन ट्राई इट. दिस इज माय सेकंड डे. टुडे इज 23rd फेब एंड दिस इज माय टास्क 1. आई हैव जस्ट चेंज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट. आई हैव जस्ट चेंज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट. क्लियर. नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ऑप्शन वन बाय वन. फाइल में क्या क्या ऑप्शन है. अगर आपको इसको किसी को शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो. नया डॉक्यूमेंट जाना है, नए डॉक्यूमेंट पे जा सकते हो. कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ओपन कर सकते हो. इसी का एक कॉपी बना सकते हो, ईमेल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, पीडीएफ एक्सेट्रा. इसको ऑफलाइन अवेलेबल कर सकते हैं. सर ऑफलाइन अवेलेबल करने का मतलब क्या हुआ. जब आपके पास नेटवर्क नहीं है आप इस पे काम कर सकते हो. जब आपके पास नेटवर्क नहीं है आप इस पे काम कर सकते हो. जैसे ही आपके पास नेटवर्क आ जाएगा, जैसे आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन आ जाएगा, आप इसको ऑनलाइन में सिंक कर सकते हो. से फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग ऑन अ हाईवे जहां पर कोई नेटवर्क नहीं है. आई एम गोइंग ऑन अ हाईवे जहां पर कोई नेटवर्क नहीं है बट मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स का रिप्लाई करना है. तो मैं क्या करूंगा, एक एक चैट में जाकर के सबको जो भी रिप्लाई करना है करके छोड़ दूंगा. अल्टीमेटली जब नेटवर्क वापस आएगा, विल दैट चैट गो और नॉट, विल दैट चैट गो और नॉट, टेल मी. अगर हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं जब नेटवर्क नहीं था, जब नेटवर्क आ जाएगा तो वो चैट उसको डिलीवर होगा या नहीं होगा. यस सर. सेम विद गूगल डॉक्स ऑल्सो. का मतलब क्या होता है, अगर आप रीराइट करते हो एक डॉक्यूमेंट के ऊपर दूसरा डॉक्यूमेंट राइट कर दिया, तो पुराना वर्जन क्या था. तो वर्जन हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर यू सेव न्यू डॉक्यूमेंट्स तो पुराना पुराना वर्जन यू कैन रीस्टोर इट. रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ड्राइव में एक शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं, ट्रैश में भेज सकते हैं इसको आप. लैंग्वेज अभी इंग्लिश है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एक्सेट्रा. एडिट में अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, फाइंड एंड रिप्लेस. वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड एंड रिप्लेस. व्यू में देखिए, प्रिंट व्यू, अलग अलग मोड होता है, रूलर, डॉक्यूमेंट, इक्वेशन, टूल बार, सेक्शन ब्रेक, फुल स्क्रीन. फुल स्क्रीन करोगे तो हट जाएगा, एस्केप प्रेस करो आ जाएगा. इंसर्ट क्या क्या कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं. और इमेज कहां से इंसर्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर से, डायरेक्टली वेब से, ड्राइव से, फोटोज, यूआरएल, कैमरा. अगर मेरे पास वेबकैम है हम तुरंत फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं. तो इमेज का क्या क्या ऑप्शन है, गूगल डॉक्स में आप इमेज कैसे डाल सकते हो, कंप्यूटर से डाल सकते हो, यस और नो, डाल सकते हैं. चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बताइए मेरे को. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर मुझे कुछ इंसर्ट करना होता था तो वो ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में डाउनलोडेड होना चाहिए था, यस और नो. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो वो पिक्चर ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, यस और नो. बट सर नेटवर्क लाइक वेब से भी तो आता है ना इंसर्ट करने का ऑप्शन. क्या चीज में, वेब से भी इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आई गेस नहीं आता है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आई गेस नहीं आता है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑफलाइन ऐप हो गया. इट इज नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क. दैट व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट इज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. बट नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेरे हिसाब से नहीं होता है. ओके सर. बिकॉज ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये क्लाउड पे काम कर रहे हैं. वी आर वर्किंग ऑन द क्लाउड इटसेल्फ. सो यू हैव गॉट वन स्वीट ऑप्शन टू सर्च फ्रॉम द वेब. ओके फाइन. टेबल इंसर्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जितना भी आपको टेबल चाहिए, 3, 4, 5 जो भी टेबल चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है. ड्रॉइंग्स इंसर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं ऑलरेडी सेव ड्रॉइंग अगर आपके पास है. चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, लाइन, फुटनोट, स्पेशल कैरेक्टर, इक्वेशन, हेडर फुटर दे सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, पेज ब्रेक दे सकते हैं, लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, बुकमार्क दे सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. फॉर्मेट, नॉर्मल फॉर्मेटिंग होता है, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है, साइज कैसा होना चाहिए,
तुम्हारा कलर कैसा होना चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो सब के बारे में बात हो रहा है. टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द स्पेशल फीचर्स विल बी अवेलेबल इन टूल्स. से फॉर एग्जाम्पल वॉइस टाइपिंग, आपको टाइप करने का मन नहीं है तो आप बोलते रहो, वर्ड ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करते रहेगा. ये फीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं है. वॉइस टाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, आप इंग्लिश में कुछ भी लिखो वो एज इट इज हिंदी में बंगाली में कन्वर्ट हो जाएगा. डिक्शनरी, एक्सप्लोर, व्हाट डू मीन बाय एक्सप्लोर, इस एक्सप्लोर साइन का मतलब क्या है, एनीवन, व्हाट डू मीन बाय एक्सप्लोर, इट विल गेट कनेक्टेड टू नेट, मिनी नेट. वेब से आप डायरेक्टली एक्सप्लोर कर सकते हैं. स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड काउंट, सजेस्टेड एडिट्स, कंपेयर कर सकते हैं साइड बाय साइड दो डॉक्यूमेंट्स. डन. एडॉन्स, बहुत सारे एडॉन्स होते हैं, डॉक्यूमेंट को फॉर्म में कन्वर्ट करना, कुछ स्पेशल इक्वेशन यूज करना, तो वो एडवांस हम लोग ले सकते हैं. कुछ कुछ एडवांस फ्री होते हैं एंड कुछ कुछ एडवांस चार्जेबल होते हैं. ठीक है. एनीथिंग विच यू वॉन्ट टू लर्न इन डॉक्यूमेंट, एनीथिंग, एनी काइंड, हाउ टू टाइप मैथमेटिकल इक्वेशन, हेल्प में जाकर के मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे टाइप करते, क्वेश्चन लिखो, सोल्यूशन आ जाएगा कि ये चीज करना चाहिए. तो हेल्प इज बेसिकली अ सपोर्ट सेंटर. ये सारे ऐप में अवेलेबल है. तो आपको अगर डॉक्यूमेंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाउ टू डू वॉइस टाइपिंग आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो आप हेल्प में जाकर टाइप कर दोगे हाउ टू डू वॉइस टाइपिंग, उसका फॉर्मेट एंड प्रोसेस आपके पास आ जाएगा. ठीक है. कैन यू सी दिस, लास्ट एडिट वॉज 7 मिनट्स अगो. तो अगर मैं डॉक्यूमेंट का ओनर हूं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो मैं ये जान पाऊंगा कब किसने क्या एडिट किया है. When a person has edited something, I will be able to record it in my books. And we don't need to press Ctrl S. Make a note of it. While working on Google Docs, we don't need to press Ctrl S. See, I'm writing something. I am co-founder of AEI. I teach mathematics, statistics, taxation, and other practical subjects relating to commerce field. My age is 28 and I aspire to become an educationist. Done. मैंने टाइप कर लिया जो मेरे को टाइप करना था. तो मेरे ग्रामर में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसमें राइट क्लिक करना है, टू द कॉमर्स होगा. जहां भी प्रॉब्लम लगेगा आपको उस पर राइट क्लिक करना, तो सही चीज बता देगा. अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं. अब मेरे को अपने नाम को हाईलाइट करना है. दिस इज द हाईलाइटर ऑप्शन, हाईलाइट हो गया. मेरे को AEI को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हो गया. मेरे को जो जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं उसको बोल्ड करना है, बोल्ड हो जाएगा. अच्छा, मेरे को इसमें कमेंट करना है. कमेंट मतलब, मान लो आप किसी को रिव्यू करने के लिए कुछ दे रहे हो, तो वो क्या कर सकता है, ये गलत है, तो मैं इस पे कमेंट करूंगा, प्लीज मेक ई कैप्स. मैंने कमेंट कर दिया, तो मैं ये पढ़ पाऊंगा कमेंट, ई को कैप्स करने बोल रहा है, कैप्स कर दूंगा और मैं इनको रिप्लाई करूंगा. डन. इज इट क्लियर?
यस और नो? नेक्स्ट, लेट अस इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम वेब. इंसर्ट इमेज सर्च फ्रॉम वेब. मेरे को एमएस धोनी का पिक्चर इंसर्ट करना है. ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं. पिक्चर आ गया, रीसाइज कर दीजिए, रीसाइज कर दीजिए पिक्चर्स को, आपके ऊपर है. और मैं यहां पर लिख सकता हूं, दिस इज एमएस धोनी. यू कैन शिफ्ट द नेम्स, शिफ्ट द इमेज as you want to. अभी मैं एक टेबल इंसर्ट करने वाला हूं. मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स नाम लिखे, अपना कॉलेज का नाम लिखे, एंड लोगों करियर का एम लिखे. तो आप भी, मैं चाहता हूं इस शीट पे मेरे साथ काम करो. हाउ इज इट पॉसिबल? शेयर में जाऊंगा, आई हैव टू गो एंड क्लिक ऑन शेयर बटन. आई कैन ऐड यू विद द ईमेल आईडीज और एल्स आई विल चेंज द लिंक एंड शेयर इट विद यू इन द चैट बॉक्स. एंड आपको क्या करना है, इस लिंक पर जाना है, अपना नाम, कॉलेज का नाम और अपना एम लिखना है. चलिए फटाफट ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करिए, इस लिंक पर क्लिक करिए और आप अपना नाम, अपना कॉलेज का नाम और आपका क्या एम है वो आप मेंशन करोगे. सब कोई अपना अपना कॉलम ले लो, कोई तो किसी दूसरे के कॉलम में नहीं लिखेगा. अगर आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी आपके कॉलम में कोई लिख रहा है तो प्लीज शिफ्ट टू द नेक्स्ट रो. अभी तक सिर्फ वर्षा एक्टिव हुई है, व्हाट अबाउट अदर्स? अगर आप मोबाइल से लॉग्ड इन है तो देखिएगा, पहले एडिट का एक ऑप्शन आता है नीचे के तरफ में, पेंसिल बनाया हुआ है, उसको क्लिक करोगे तो एडिट अवेलेबल होगा. एंड देन लिखने के बाद यू हैव टू सेव इट. एंड देन लिखने का यू हैव टू सेव इट. सेविंग ऑप्शन इज टॉप मोस्ट लेफ्ट, टॉप मोस्ट लेफ्ट, टॉप मोस्ट लेफ्ट. वर्षा इज डूइंग इट, रेशम इज डूइंग इट, व्हाट अबाउट अदर्स? जानवी, इफ एनी वन इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क. रेशम, कमेंट ऑन योर नेम, कमेंट ऑन योर नेम, सेलेक्ट योर नेम, सेलेक्ट योर नेम एंड कमेंट ऑन योर नेम. Select your name and comment on your name. Varsha, do the same. Select your name and comment on your name. You have to select the text, not the role. Yeah. Select your name. This is the sign of comment. This is the sign of comment. Select the text in which you want to comment. Write down the comment and do the comment. सर कमेंट का साइन क्या है?
देखो बेटा ये प्लस जो दिख रहा है ना यहाँ पर, तुम जैसे सेलेक्ट करेगा ना, यहाँ देखो बगल में एक प्लस साइन ही आ जाएगा, ऐड कमेंट बोल के। बट सर बस कोठारी सिलेक्ट हो रहा है, पूरा वर्षा कोठारी नहीं सिलेक्ट हो रहा। हो तो रहा है उसमें। उसके बाद जब हम कमेंट ऐड कर रहे हैं तो बस इसमें दिखा रहा है, येलो मार्कर जो है बस कोठारी में दिखा रहा है। मेरे को तो दिखाई नहीं रहा, तुम कमेंट करोगी तो मेरे पास भी तो आएगा, तुम डन तो करो, मेरे पास कमेंट आएगा, तुम्हारे सामने तो स्क्रीन खुला हुआ है, एज सून एज यू कमेंट वो तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा ना, रेशम ने तो कुछ कमेंट ही नहीं किया है। देखो जैसे वर्षा कमेंट कर दी यहां पर, यस आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड कमेंट हिस्ट्री, दिस इज कमेंट हिस्ट्री, दिस इज कमेंट हिस्ट्री। सेलेक्ट योर नेम, चूज द कमेंट बटन, राइट डाउन द कमेंट एंड देन कमेंट। Is it clear, everyone? Yes or no? फाइन, आई रिक्वेस्ट टू इंसर्ट अ पिक्चर, प्लीज इंसर्ट अ पिक्चर, हाउ टू इंसर्ट अ लिंक, वेट, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट लिंक एंड इंसर्ट, जब भी इसको क्लिक करेंगे वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, दिस इज नोन एज हाइपर लिंक, दिस इज नोन एज हाइपर लिंक, दिस इज नोन एज हाइपर लिंक, दिस इज नोन एज हाइपर लिंक। दिस इज नोन एज हाइपर लिंक। नाउ वॉच केयरफुली, माई हैंड्स आर फ्री, मैं अभी टाइपिंग नहीं कर रहा, मैं आपको वॉइस टाइपिंग दिखाऊंगा कैसे होता है। यू हैव टू क्लिक ऑन टूल्स, you have to click on tools and then click on voice typing, first you have to click on tools, mobile में तो google keyboard में वो microphone वाला option ही रहता है, but laptop and desktop में tools पे जाना है, and then you have to click on voice typing, tools में जाना है voice typing, and then click to speak, वॉट एवर यू स्पीक विल कम, हेलो एवरी वन, जस्ट होल्ड ऑन, एक सेकेंड, आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन वॉइस, आई विल जस्ट क्लिक ऑन माइक्रोफोन, हेलो एवरी वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग द टास्क, समटाइम्स वॉट वी स्पीक डज नॉट मैचेस एग्जैक्टली विथ द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, सो वी नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ एडिटिंग, आपने देख सके
कि मान लीजिए आपको नोट्स वगैरह कुछ बनाना है, ठीक है, तो आप ऐसे कर लो एंड देन बाद में आप उसको एडिटिंग करवा लो. इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? यस और नो? यस. सो राइट डाउन अ टास्क. राइट डाउन अ टास्क. यू हैव टू मेक अ डॉक्यूमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 5 pages. कितना पेज का होना चाहिए? 5 pages का होना चाहिए. 5 pages का होना चाहिए. And you have to use all options: voice typing, pictures, tables, highlight text, correct text, everything. जितना तुम explore कर सकता है Google Docs में, जितना तुम explore कर सकता है Google Docs पे. And this is of 50 points. This is of 50 points. ये 50 point है. If you don't score sufficient number of points, you may not receive certificate. But this is a very serious thing. Please go ahead. You are allotted 15 minutes of time. You are allotted 15 minutes of time. हिमाचल प्रदेश के ऊपर में गूगल डॉक बनाना है अपना अपना कंप्यूटर में. एंड द टाइटल शुड बी हिमाचल प्रदेश. ब्रैकेट में आपका इनिशियल्स होना चाहिए. ब्रैकेट में आपका इनिशियल्स होना चाहिए. एंड फाइनली डाउनलोड भी लगाइए. फिर डाउनलोड इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. डाउनलोड में फाइल में जाकर के डाउनलोड इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एंड मेल टू मी इन पटवारी विवेक 92@gmail.com. You have to mail it to me in patwarivivek92@gmail.com. If anybody has any questions, please ask. Sir, अभी करना है ना? अभी अभी 15 minutes का time दिया मैंने आपको. हिमाचल प्रदेश के ऊपर में आपको 5 pages का document बनाना है. You have to do voice typing. You have to insert table, insert pictures, and insert pictures from everywhere, from drive. अब तुम लोग बोलेगा सर मेरे पास तो ड्राइव में पिक्चर नहीं है. डाउनलोड करके पहले ड्राइव में अपलोड करो. डाउनलोड करके पहले ड्राइव में पिक्चर अपलोड करो एंड देन अगेन ट्राई ऑल दिस. बिकॉज आपका सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप मेरे सामने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इट वॉन्ट बी दैट मच यूजफुल. तो आपको जो भी क्वेरीज आ रहा है रिलेटेड टू दिस गूगल डॉक्स, ये आपको आज ही कंप्लीट करना है. सो दैट इन द नियर फ्यूचर यू कैन यूज इट. Now what can I, what I feel, Varsha, you and Resham are good friends, right? Yes or no? Yes, sir. What you can do, Varsha will create a doc. Varsha will create a Google doc. Okay. And she can share it. She can share it with Resham. Tum Resham ka mail ID pe share kar do. Do page tum banao, 3 page Resham banayegi. Understood? ठीक है. जानवी तुम्हारा कोई फ्रेंड है? No, sir. श्रेयांशु तो अपना ईमेल आईडी दे दो. जानवी यू एंड श्रेयांशु मे ज्वाइन एंड मेक अ वेरी गुड पीडीएफ गूगल डॉक. अपना मेल आईडी शेयर कर लो. Come on, do it fast. I'm giving you 15-20 minutes ka time. And jo bhi problem aa raha hai, haathon haath poocho. Main haathon haath clear kar dunga. Share kaise karte hain? Share pe click karke samne wala ka email ID type karna hai. To ab jab college mein project work milega, to kis pe banaoge? Microsoft Word mein banaoge ya Google Docs mein banaoge? Google Docs mein banayenge, taki ek saath 4 aadmi ek hi cheez pe kaam kar paaye. और कंफ्यूजन कैसे क्रिएट नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने बोला है वर्षा तुम फर्स्ट 2 pages पे काम करो एंड रेशम विल वर्क ऑन द नेक्स्ट 3 pages. सो अल्टीमेटली 5 pages का काम भी हो गया. हम एक दूसरे का काम देख भी पा रहे हैं, ठीक है. और फोन करके बोलने का दरकार नहीं है, अरे वर्षा तुम क्या कर रही हो.
सीधा कमेंट कर दो, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कमेंट कर दो, वर्षा दिस इज नॉट लुकिंग गुड प्लीज चेंज इट, ऐसे सेलेक्ट किया कमेंट किया वर्षा प्लीज चेंज, तो वर्षा को ये मैसेज मिल गया, वर्षा पढ़ ली रेशम को अच्छा नहीं लग रहा है, वर्षा चेंज कर देगी, वर्षा को डिफेंड करना है, वर्षा रिप्लाई करेगी तो झगड़ा फोन में करने का दरकार नहीं है, कमेंट पे झगड़ा कर दो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करिए। वर्षा रेशम श्रेयांशु जानवी हो रहा है मेरा स्टार्ट, हम लोग मेरे और जानवी में स्टार्टिंग का 2 पेजेस जानवी को करने का है ना? कोई भी तुम लोगों को मिला के 5 पेज करना है। अच्छा वो अच्छा तुमको ओके जानवी को अगर कुछ भी लिखना है तुम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सवाल नहीं। हाँ हाँ हाँ
वर्षा हैव यू स्टार्टेड? यस सर।
हुआ किसी का कंप्लीट? कहां तक पहुंचा गाड़ी?
Is it done? Enough of time has been given. Varsha, please reply. Janvi? हाँ सर, हम लोग साथ साथ में कर रहे हैं. बेटा जो भी आप पीडीएफ सेव करके मेल करो. हाँ भेज. पटवारी विवेक 92@gmail.com है, फटाफट चलो. फटाफट सेव करो, मेल करो. मेल नहीं आया मेरे पास, फटाफट. बेटा मेल कर दिया क्या? रेशम का है मेरे पास में, बस रेशम और वर्षा का. श्रेयांशु और जानू के लिए था? हाँ हाँ सर, बस भेज रहे. नाउ रेशम, टेल मी, इसमें तुम लोग का क्या क्या किया हुआ, क्या क्या मतलब तुम लोग ने क्या क्या किया है?
स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज एंड एक्सप्लेन व्हाट ऑल थिंग्स यू डिड. सो फर्स्ट टू पेजेस वर्षा की Let the PDF get opened up. Yeah, tell me. This was done by Varsha. Yes, sir. Varsha, सबसे पहले तुमको क्या करना है? Select करके remove hyperlink करना था इसमें. तो whenever you copy, मतलब सब रहना चाहिए. तो फिर हम रिमूव नहीं किए कुछ कुछ का हाइपरलिंक और कुछ कुछ का हाइपरलिंक. तुम जो क्रिएट करेगा वो रहना चाहिए. ये तुम्हारा क्रिएट किया हुआ थोड़ी है. नहीं नहीं मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं. That's what I'm saying. रहना ठीक है सर. ठीक है. ओके दिस इज व्हाट यू शुड हैव डन. यू शुड हैव सेलेक्टेड द टेक्स्ट. ओके एंड यू शुड हैव प्रेस्ड कंट्रोल जे और यू शुड हैव प्रेस्ड दिस आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट. You should have pressed this one. This is justified alignment. Okay. The way you have represented, it does not look good. Okay, sir. And ये सब कलर तुमने चेंज किया है कि मतलब ऑटोमेटिक चेंज हुआ है? नहीं नहीं हम चेंज किए अकॉर्डिंग टू द. Okay, fine. ये टेबल कॉपी पेस्टेड है? ये टेबल सर रेशम बनाई है. नहीं सर इंसर्ट किया टेबल इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट किया हुआ था. अच्छा गुड. हाँ ठीक है वेरी गुड. भाई तुम भेजेगा कि नहीं भेजेगा? जीरो भेजेंगे 50 में? भेज रहा हूँ थोड़ा सा मैं भेज रहा हूँ. एक 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 मिनट. जैसा भी है भेजो. अच्छा भेज रहा है. एक काम करो भेज तुम स्क्रीन शेयर करो तो अपना. मैं ना उसमें मैं ना लैपटॉप में कर रहा हूँ. मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ. मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ. तुम कर नहीं हो क्या? सर आई मेड इट ऑन लैपटॉप बट कनेक्टेड थ्रू फोन. अच्छा शेयर कर रहे शेयर कर रहे करो. जल्दी शेयर कर. दूसरा क्लास है मेरा. वर्षा एंड रेशम क्लियर गूगल डॉक्स? हाँ सर क्लियर हो गया. तो आप एक काम करना ना घर पे मतलब खुद से भी बनाना एक और. ठीक है एंड ट्राई टू मेक इट नाउ विदाउट एनी हाइपरलिंक. है ना खुद का अपना खुद का हाइपरलिंक क्रिएट करना. सर कितना मार्क्स मिला हम लोग को? गुड वेरी गुड. लेकिन मार्क्स तो क्या ही देंगे मतलब इसमें मतलब उतना सफिशिएंट एफर्ट. एफर्ट ठीक था बट बहुत सारा गलती था. हाँ टाइम भी नहीं था सर एकदम. इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ ना अभी इंडिविजुअल टाइम दे रहा हूँ. तुम लोग कोई भी एक स्टेट के बारे में ना पूरा बढ़िया से टेबल इंसर्ट करना डायग्राम बनाना तुम्हारा ये इंसर्ट करना इमेज इंसर्ट करना कमेंट करना सब करके वो डॉक्यूमेंट ही मेरे मेल आईडी पे शेयर कर देना. ठीक है पटवारी विवेक वाले पे ही ना करना है हमको शेयर. ओके ये सेंस हो क्या किया. हिमाचल प्रदेश ब्रैकेट में इनिशियल कौन देगा? एसबी एंड जेएस ऐसे ही. ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. कमेंट किया तुमने खुशी हुआ हमको देख के. ठीक है गाइज गूगल डॉक्स इज ओवर बट यू हैव टू प्रैक्टिस वंस अगेन. ठीक है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे और थर्सडे. बट उसके पहले ऐसा ही कोई भी एक स्टेट के ऊपर मैं आपको गूगल डॉक बनाना विद पिक्चर्स टेबल्स एंड एवरीथिंग एंड यू हैव टू शेयर इट इन माय मेल आईडी. इज इट क्लियर? यस और नो? यस. चलो फाइन टेक केयर बाय बाय.
See you all again. बाय बाय. नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. गूगल शीट्स नेक्स्ट क्लास में ना गूगल शीट्स करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके ओके.